पानी पूरी खाना किसे पसंद नहीं, पर ज्यादातर लड़कियां पानी पूरी की बड़ी शौकीन होती है। पर यही पानी पूरी एक लड़की की मौत का कारण बन गई है। दरअसल नागपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल कॉलेज की 18 साल की बीएससी नर्सिंग की छात्रा की पानी पूरी खाने से मौत हो गई। छात्रा ने दिन में पानी पूरी यानी गोलगप्पे खाए थे। इसके कुछ घंटों बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने इलाज के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। मरने वाली छात्रा जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की रहने वाली थी और यहां पर रोगियों की देखभाल में करियर का सपना देख रही थी, लेकिन काल की अनहोनी ने उसके सपने को तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र का नाम शीतल कुमार है। जम्मू के पास कठुआ जिले की रहने वाली शीतल पिछले साल नवम्बर में नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए नागपुर आई थी। यहाँ एक मेडिकल स्टूडेंट वाले हॉस्टल में रह रही थी। 3 जुलाई की रात शीतल को उल्टी हुई, अगले दिन वो बीमार पड़ गई। पेट दर्द कम नहीं होता देख उसने सुबह मेडिकल आउट पेशेंट विभाग में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों ने उसे भर्ती होने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने डॉक्टर की ओर से बताई गई दवा ली और नर्सिंग हॉस्टल में अपने कमरे में लौट आई। 5 जुलाई को उसे बुखार आ गया, इसके चलते वह वापस ओपीडी में गई। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे वार्ड नंबर 48 में भर्ती करा दिया। उसके लक्षण गैस्ट्रो जैसे थे। इसके बाद इलाज शुरू किया गया। उसी दिन शीतल की हालत बिगड़ गई, उसे फौरन आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि आधी रात के आसपास उसकी मौत हो गई। मला असं सांगण्यात आलेलं आहे, नर्सिंग कॉलेजचे प्रिन्सिपल जे आहेत त्यांनी आणि जे कन्सर्न ट्रीटिंग डॉक्टर आहे त्यांनी मला सांगितलेलं आहे की त्यांनी 3 तारखेला पाणीपुरी खाल्ली होती आणि त्याच्यामुळे त्यांना गॅस्ट्रोएन्टरायटिस झालं होतं आणि म्हणजे त्यांच्या इवन 3 तारखेला ते त्यांनी अंगावरच काढलं ते सगळं आणि 4 तारखेला ते ओपीडीमध्ये आलं। ओपीडीमध्ये त्यांना डॉक्टरांनी पाहिल्यानंतर त्यांना सांगितलं की तुम्ही भरती होऊन जा, पण त्या भरती झाल्या नाही। त्यांना वारंवार सांगितल्यानंतर ते म्हणाले की आम्हाला फक्त औषधं लिहून द्या, आम्ही रूमवरच जाते म्हणून शी रिफ्यूज। आणि मग त्याच्यानंतर 5 तारखेला सकाळी ती परत आली, पण तेव्हापर्यंत ती भरपूर सिरियस झाली होती आणि मग तिला ताबडतोब ॲडमिट करून तिला सर्व ट्रीटमेंट वगैरे हायर अँटीबायोटिक्स वगैरे सर्व सुरू करण्यात आले आणि त्याच्यानंतर तिची तब्येत आणखीन खालावत गेली। तिला व्हेंटिलेटरवर पण घेतलं आणि अनफॉर्च्युनेटली तिचा मृत्यू झाला। काल ती जम्मूची मुलगी होती, आपल्या इकडे शिक्षणासाठी आली होती JNM कोर्स करण्यासाठी आणि तिचे आई वडील पण मग काल आले आणि मग ते मला वाटतं ॲम्ब्युलन्स करून ती बॉडी त्यांना हँड ओव्हर करण्यात आली, पोस्टमार्टम केलं आणि त्याच्यानंतर हँड ओव्हर करण्यात आली। अशा आणखीन 2 तिच्यासोबत आणखीन ज्या 2 मैत्रिणी होत्या त्या पण इकडे पाणीपुरी खाल्लं होतं, त्यांनाही गॅस्ट्रोएन्टरायटिस झाला आणि त्यांना आम्ही ॲडमिट केलेलं आहे। आता त्या ॲडमिटेड आहेत आणि त्यांची प्रकृतीमध्ये आता सुधारणा आहे। क्या इस घटना का कारण पानी पूरी खाना था? क्यों उस पानी पूरी का पानी जहरीला हो गया था? ऐसे सवाल उठाए गए हैं। मूल रूप से जम्मू कश्मीर की रहने वाली छात्रा की मौत की पुष्टि करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि पानी पूरी खाने के बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।